एक्स्ट्रा बॉल आया था। Way too many questions, you must think I trust you. Yeah, you searching for answers, I do not know nothing. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं थोड़ा सा लाउड आज बोल नहीं सकता क्योंकि राशि ना जस्ट अभी गई है वॉशरूम के अंदर, ओके। और आज मैं राशि के साथ करने वाला हूँ प्रैंक कि मुझे एक हफ्ते से मेरी एक्स के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं और मुझसे वो मिलना चाहती है। तो वो रो रही है मेरे सामने, मतलब गिड़गिड़ा रही कि मुझे मिलना है, कोई बात करनी है ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं उसको बहुत सारी झूठ बोलूँगा, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, सनाने उड़ाने फेंक के ना मारे, ओके। मुझे डर सा लग रहा है कि क्या होता है। तो बस रोए ना, बस मैं यही चाहता हूँ रोए ना, ओके, क्योंकि उनके रोने से पहले मैं उनको सच बता दूंगा, बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाफट कैमरा सेट कर दूँ और मैं ज़्यादा लाउड बोल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी बाहर आ सकता है। तो मैं कैमरा फटाफट सेट कर देता हूँ, ओके, लेट्स गो। राशि एक मिनट सुनियो, काम है यार। क्या ब्रो, मैं थक गया हूँ अभी। अरे एक मिनट सुन लेना, इम्पोर्टेंट बात है, बैठ जा। दो भी कट क्यों करनी पड़ी है, चेंज करके आई हूँ यार। वैसे आज वीडियोस कितनी अच्छी बनी है ना मेरी, किद्दे वाली सारी अच्छी बनी है, मेरी ज्यादा अच्छी बनी है, मेरी भी अच्छी बनी है आज वीडियोस। कब भेजे? तूने 5 बनाई, मैंने 3 बनाई, अच्छी तो आई नहीं, 6 और 4। हाँ, कब भेजेगा आज? रात को यार, डाल दियो सुबह। उसे बोला कि अभी मंगा ले, फिर मैं एडिट करके सो जाऊंगा। वो रात को भेजेगा, अभी क्लब में होगा वो, या फिर सुबह एडिट करता हूँ ना, लेट हो जाता है। सुन, वो सब कुछ छोड़, मैं ना तो सिर्फ बात करनी है। देख, गलत मत समझियो और कुछ भी बुरा मत मानियो, ठीक है, कि मैं तुझसे बता रहा हूँ। तू मैंने मैं छुपा भी सकता था अगर मैं गलत होता, तो मैं तेको खुद ही बता रहा हूँ पहली चीज़ें। तो कि एक हफ्ते पहले ना एक्स्ट्रा कॉल आया था, ठीक है, उसने पहले मुझे कॉल नहीं किया, स्नैपचैट पे मैसेज किया, और लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो है, तो मैंने उसको वहाँ से ब्लॉक कर दिया, भले तू चाहे देख सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिला, आई डोंट नो, उसने मुझे कॉल किया, बर्थडे वाले दिन भी कॉल आया था, बट मैंने फिर ब्लॉक कर दिया उसको। फिर अब वो अननोन नंबर से बार बार कॉल करे जा रही है, कभी मम्मी के नंबर से, कभी इसके नंबर से, कभी उसके नंबर से, पता नहीं वो जिद कर दी कि मिलना है मुझे एक बार ही। मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना, उम्र कह रही कि मुझे मिलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक बार ही बस मिलो, उसके बाद ज़िंदगी में भले मत मिलना। तो मुझे वो कल मिलने के लिए बुला रही है, तो मैंने उसको आज, वो रो पड़ी पता नहीं क्यों। तो आज उससे बात हुई? आज नहीं, मतलब यस्टरडे हुई थी रात को। हाँ, किस नंबर से है? अननोन नंबर है, 62 करके है, पहले 97 चाहता था, फिर 877 लग गया, अब 62 करके आया है, मैंने सारे ब्लॉक कर दिया, अब ये एक नंबर उसके पास। तो जब तुझे पता चला तो तू मत बात करता ना? मैं तो कर ही नहीं रहा था, वो बार बार कॉल कर रहे थे, को पता है मेरे को हजार सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे अननोन नंबर से कॉल आते हैं, किसी इस काम का, उस काम का, कोई घर का ही होता है। अब नहीं पता चला, मैंने उठा लिया, उठाते सारी वो रोना स्टार्ट। तो यार, तो ये कब से वो एक हफ्ते से मैसेज कर रही है? ये तो स्नैपचैट पे एक हफ्ते पहले किया था उसने मैसेज मेरे को। तो तू मेरे को एक हफ्ते से अब बता रहा है? यार मेरे को लगा यार कोई बात ही नहीं है कुछ भी, मेरे को जब करनी नहीं बात, दूसरी रात जाना नहीं, तो मैं क्यों करूँगा अब। लेकिन वो मुझे फोर्स कर रही हो, कह रही मुझे कल किसी बारे में मिलो, वरना मैं मिलो। हाँ, वो पता नहीं मुझे कोई बात करनी है इम्पोर्टेंट, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो कह रही मिल लो, तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं एक बार ट्राई करूंगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। प्रभ, ये क्या बात होती है? यार इसमें मेरी क्या गलती है, वो बार बार कॉल कर रहे थे, मैं तो उसको उस नंबर से भी ब्लॉक करने वाला था, बोले बात उसने तेरी कसम दी, तो मैं नहीं कर पा रहा एकदम से यार। तू इतना मतलब 2.5 साल बाद जाके पता नहीं कहाँ से टपका कहीं, मेरे को मत्था घुमा पड़ा है, आगे एक्सरसाइज इतनी होती है, काम इतने सारे होते हैं, क्या बोलूँगा। देखो अब भी पता नहीं, शायद अब भी वही है, देख ले, अब व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है, ये बता क्या करूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ एक बार मिल लेता हूँ, क्या बीमारी है, एक बार पूछ लूँ उससे, बार बार कॉल करे जा रही, कभी फ्रेंड के नंबर से, नंबर से, और एक बार तो उसे अपनी फ्रेंड से बुलवा दे कि वो ना
घर से बाहर निकल चुकी है बहुत ज्यादा, मतलब पता नहीं क्या तो ये सब तूने मेरे को बताया नहीं पहले। जब मैं तेरे को पता है फालतू की टेंशन वाली बात है, जब मेरे को नहीं लेनी टेंशन तो मैं फिर क्या बोलता नहीं यार। लेकिन एटलीस्ट तो अब बता रहा हूँ ना, तभी तो मैंने अभी बताया ना कि अब ज्यादा बढ़ गई है वो बात। इतना लेट पर अब इतना लेट यार, अब ज्यादा बढ़ गई अब तो। मेरे को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, या तो डायरेक्ट बात करवा देता तेरी, ज्यादा सही रहता। नहीं मैं क्या बात करती, मेरा बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं क्या बात करूँ बता, मेरे को इसमें मैं तो नहीं इन्वॉल्व हो सकती। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है फिर कल मिल लेते हैं एक बारी। तो तू कल मिलने जाएगा, तू भी साथ चल लेना एक बारी। मैं थोड़े ही साथ जाऊंगी यार, अजीब बातें मत कर। मैं क्यों जाऊं यार, देख मैं कोई गलत तो कर नहीं रहा, मैं एक बार देखूं तो मतलब सीन है क्या, क्यों पीछे पड़ी हुई है। या तो तू चल ले, या तो कुछ गलत उलत ना बोल दे, कुछ भी है कोई होता ही है, मुझे किसी में फंसा ना दे, या फिर तू होगी तो एटलीस्ट होएगा, एक सपोर्ट सिस्टम है। तू तो भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। या तो मैं अकेले जाऊँ तो क्या बात करूँ मैं उससे, तुझे ना इतना लेट नहीं बताना चाहिए था। और अब तू कह रहा है कि मैं मिलने जा रहा हूँ और अब मुझे बता रहा है, जब तेरा सब कुछ डन ही हो चुका है तो फिर अब भी मेरे को क्यों बता रहा है। चल तू मना करेगी तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोलता रहूं, मैं उस नंबर से भी ब्लॉक कर दूंगा अगर तेरी कसम की बात ना आई होती तो। क्या करूं अब, क्या बताऊं मैं, मेरे तो सर की नसें फट रही हैं। पहले फिर को पता है कि मेरी वीडियो बना के कितनी तबीयत खराब हो गई, अब तो मेरा और दिमाग खराब हुआ है। पता नहीं कहां कहां से उड़ के आ जाएंगे लोग। क्या करना है, जो तू बोले वो कर लूंगा, इस बात छुपाई थोड़ी है, बता तो दी है देखो। ये ब्रह्म बताई है। हाँ चल लेट बताई, मेरी गलती है, बहुत लेट बताई है यार, अब बता देना उसका क्या सलूशन है। यार मैं क्या बोलूं, मैं तो समझ नहीं। यार सलूशन तो बताना यार, एटलीस्ट कुछ तो बता, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना। मैं एकदम से वो टपक पड़ी, वही तो मैं कह रहा हूं, एकदम से मैसेज आ रहे हैं, एकदम से फोन आने लग गया, एकदम से मिलने का भी डिसाइड हो रहा है, एकदम से तुम्हारा सब कुछ हो गया। अब तुम मेरे से बोल रहे हो कि मैं तुम्हें बताऊं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। मैं काम कर, तू चल लेना मेरे साथ चलो। मैं क्या चलूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा तू भी क्या करने जाएगा। क्या बात हुई थी उससे आज, तूने बोला कि तेरी आज उससे बात। अरे कुछ नहीं, वो कह रही कि बस मुझे मिलना है एक बारी। क्यों रो रही है, बता रही, बताई तो नहीं रही, प्रॉब्लम ही तो यही है, बताए तो भाई कुछ पता तो चले। क्या दे जा रही है, मैं कुछ कर लूंगी, ऐसी कुछ मैं कर दिया मेरे ऊपर बित्ता अलग डाल देगी वो, मैं क्या करूंगा। मुझे पता है लड़कियों का दिमाग सटका हुआ होता है, हर लड़की का नहीं। मैं भी लड़की हूं। तू सबसे अच्छी है यार, बाकी सबसे तो इंटेलिजेंट है, दिमाग है तेरे में, इन सब का पता थोड़ी होता है। मुझे पता है ऑलरेडी क्या क्या हुआ है। मुझे पूरा पास पता है कि कैसी है वो, कैसी नहीं। मेरा तो दिमाग है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तू बता तेरे को क्या लगता है। मेरी ख्याल से तुझे चलना चाहिए एक बारी तू बात कर कि क्यों बार बार ऐसे डिस्टर्ब क्यों कर रही है, जब अचानक कहाँ से पहली बात तो टपक के आ गई, नंबर कहाँ से मिला, स्नैपचैट की तो आईडी आज तक किसी को मेरा ये वाला नाम नहीं पता, ये वाली आईडी कहाँ से मिल गई, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे, मैं क्या करूं चल के यार। सिंह प्रवी 8 है, ये तो आईडी से मुझे पता है, आपको पता है, और किसी को पता ही नहीं है मेरा नाम। अभी क्या करूं, क्या करना अभी, मुझे नहीं समझ आ रहा है यार। पर अब मेरे को नहीं, मेरा दिमाग की एक बार चलते हैं मिल लेते। मैं नहीं जा रही,
चल मैं मिल लेता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी एटलीस्ट सॉल्व प्रॉब्लम में तो नहीं फंसूंगा ना। तुझे लगता है कि तुझे जाना चाहिए? मुझे तो लगता है यार, एक बार पता तो चले क्या चाहती क्या है यार। अगर मैं अभी इग्नोर करूंगा बाद में अगर कोई पसूड़ी डाल दे तो? एक बात बता, फंसने वाली बात है ना कहीं एक बार सोच के देख, कोई भी अगर पसूड़ी डाल दी कहीं भी, अगर मेरा नाम आ गया मेरा पूरा करियर बर्बाद प्लस इंसल्ट, उसके साथ आपको सारे जानते, तो घर वाले को क्या बोलूंगा? मम्मा यार ये हर दिन नया सियापा ही होता है कसम से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भला कुछ चल रहा होता है फिर नया सियापा, फिर कुछ चल रहा होता है फिर नया सियापा। मेरा सर ना सही में बहुत तेज फट रहा है आप। जाऊं फिर? मैं अकेले चल जाता हूँ, चलो ऐसे कर लेता हूँ। चल फिर तू जा। फिर दूसरे जा रहा ही नहीं है यार, मैं क्या बोलूँ, तू चला जा। आई थिंक तुझे चला तेरा जाना ही ज्यादा सही है, जो भी प्रॉब्लम होगी तू सॉर्ट कर लेगा। अब उसको बस सॉर्ट तो है, बस यही डर है ना कि ये तो वॉशरूम दूर क्यों, पर यही डर है कि वो कहीं फंसा ना दे मेरे को। पर यार चला जाना ठीक है यार, बस एक वीडियो शूट कर रहा था तो चाह थोड़ा प्रैंक कर लूं आपके साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा था। Are you mad? सोचा एक्सेस से मिल लूं जरा, याद दाढ़ी थी मेरे को। ओ यार, पर मुझे यार मैं पहली बार मैं सेकंड टाइम प्रैंक में फेल हो गया, मुझे लगा गुस्सा करेगी भाई, मारेगी मेरे को, कौन से आ गई ये वो, तू मिल के जा तेरी टांगे तोड़ दे, मुझे लगा तो ये बोलेगी। बट यार सपोर्टिव, मतलब एक मुझे पता है कि मतलब एक जो गर्ल सोचती है एक दूसरे गर्ल के लिए कोई ना इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, तो उसके व्याप पे सोच के ये उसने मुझे अलाउ कर दिया कि तू चल जा भाई। इसके लिए बहुत ही पता भाई गर्ल्स फीलिंग चाहिए, ये सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस। ऐसी मैंने नहीं देखी कभी भी कोई सीरियसली, बट ऐसा ना मुझे कोई कॉल आया ना मैसेज कुछ नहीं आया यार। वैसे भी मेरे को आता तो मैं कभी ना उठाता सीरियसली, क्योंकि मेरा पास्ट मुझे पता है मेरा बहुत गंदा था, सो आई नेवर वांट टू बी गो। छोड़ो, कैसा लगा प्रैंक आपको? बहुत ही बुरा था प्रैंक। बट प्रैंक क्या बुरा था, प्रैंक तो मेरे साथ हो गया, जो मैं चाहता था वो हुआ ही नहीं यार। शिट यार, बिकॉज़ मेरे को ट्रस्ट है तो मैंने नहीं, मेरे को था कि ठीक है अगर कुछ हो सकता है कि वो सही में प्रॉब्लम में हो, कोई बात नहीं गाइस, दूसरी बार प्रैंक जरूर आएगा। इस बार दूसरी बार फेल हुआ तो तीसरी बार फेल नहीं होऊंगा, मेरा वादा है। लाइक शेयर कमेंट करके बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। ओके, और हिट द सब्सक्राइब बटन, पीस एंड लव, बाय बाय। और ऐसे कौन है जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कोई इसकी तरह है तो। ओके, राशिका इज इक्वल टू मी। बाय बाय, टेक केयर।